अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दामी बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग चैनल के सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार तामी सिंगानी पतनगटा डिस्ट्रिक्ट चतरा झारखंड से आप लोग के सामने आज का वीडियो लाने का मकसद यही है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं, भाई बंधु हैं, सब लोग का क्वेरी आ रहा था कि भाई टैंक का निर्माण कैसे करें। और टैंक वैसे तो YouTube पे बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन अपने चाहने वाले हमसे ही पूछेंगे ना, तो इसके नाम से आज का पहला मकसद यही था कि टैंक का निर्माण कैसे करें और टैंक कैसे बनाएं, इसी विषय में अपन मतलब वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं, ये आज का विषय वही है, टाइप ऑफ टैंक। टैंक कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो देखा जाए तो चार प्रकार के टैंक होते हैं, सीमेंट टैंक होते हैं, दूसरा क्या कहते हैं फाइबर टैंक होते हैं, तीसरा तारपोलिंग टैंक होते हैं, चौथा अपना पोर्न लाइन इत्यादि कई तरह के टैंक होते हैं। आप कुछ भी बनाइए, मकसद यही होना चाहिए कि भाई सबसे पहला इसलिए को किसी तरह का भी टैंक बनाइए, मकसद एक ही है कि पानी को स्टोर करना है, पानी को स्टॉक करना है। और मेरा पानी को स्टॉक करने के बाद उसमें हमको मछलियाँ पालना है। मछलियों को जिंदा रहने के लिए माहौल के हिसाब से पानी चाहिए, और पानी को रोकने के लिए मेरे को एक कोई भी सुविधा चाहिए, या तो तारपोलिंग ले लें, या तो सीमेंट का टैंक ले लें, या तो फाइबर का टैंक ले लें, या तो हम तालाब पौंड वगैरह जो भी है लाइनर वगैरह वो ले लें, यही चीज़ है। तो मैं वैसे पीछे बोर्ड में पहले से दर्शा दिया हूँ, तो इसके नाम से देखिए सीमेंट टैंक ये हो गया आपका, फाइबर टैंक हो गया, तारपोलिंग टैंक हो गया, पौंड लाइन इत्यादि हो गया। लेकिन टैंक आप किसी तरह का बनाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। होता है अब सवाल ये भी आएगा कि भाई टैंक तो हम बना लेंगे, लेकिन कितना बड़ा लंबा चौड़ा बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो वो भी कोई बड़ा फैक्ट नहीं है, बड़ा मतलब नहीं है। देखिए होता क्या है कि ये मेरा हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, ठीक है, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और ये मेरा हो गया हाइट, ठीक है। तो इसका सिर्फ एक ही फंडा है कैलकुलेशन करने का, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये हो गया। कैलकुलेशन कर दीजिए, जो निकलता है उसको अपने को फिर से डिवाइड करना है, यानी कि गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, 28 वॉल्यूम निकल जाएगा, है कितना अपना वाटर कैपेसिटी का टैंक बनेगा, ये आपका वॉल्यूम यहाँ से आराम से निकल जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं। ये है फंडा, ठीक है जी। अब मान लीजिए हम लोग, हाँ एक बात और याद ध्यान देने वाली है कि 12 × 10 × 3.5, ठीक, ये मेरा आ जा रहा है 12 × 10 × 3.5, 420 × 28, ठीक है, 28 इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा बराबर 11760 लीटर, 11760 लीटर, ठीक है, 12 × 10 × 3.5, 420 × 28, यानी कि हो जाएगा 11760 लीटर, ये मेरा निकल जाएगा। अब बोलिएगा कि 28 भाई कहाँ से आ गया, तो एक मापदंड है अपना वॉल्यूम नापने के लिए, पानी की मतलब क्या कहते हैं लीटर में कितना मीटर क्यूब वाटर आएगा, तो उसको नापने का एक वॉल्यूम है। अभी आप देखे होंगे कि वैसे तो अगर देखा जाए तो हम लोग का आता है 27.96, ऐसे आता है 27.96 ये पानी का वॉल्यूम। और एक चीज़ और भी है, पानी अपने को 2.5 फीट से 3.5 फीट रखना है, 2.5 से 3.5 से इससे कम तो रखना ही नहीं है, 3.5 से ज़्यादा अपने को 4 फीट तक रख सकते हैं, उससे ज़्यादा ना जाए, लेकिन 2.5 से 3.5 ये आइडल है, अच्छा है, इतना हम रख सकते हैं। दूसरा क्या करना है, सीमेंट टैंक बनाते वक्त एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि सीमेंट टैंक जब अपने को बनाना है तो और कुछ नहीं करें, अगर
चोरस बन रहा है, तो सैड से सिर्फ कोना को अपने को राउंड करना है, सिर्फ कोना को। इससे क्या होगा, कोना अगर राउंड हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि अब मान लीजिए कि मछलियाँ जब रन करेगी, मछलियाँ दौड़ेगी, मछलियाँ भागेगी तो टकराएगी, टकराएगी तो उसको नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। और अगर बाई दिवे रन करती है तो उसको लगेगा कि हाँ गोल जगह पे घूम रहे हैं और मुंह पे उसका छाले नहीं पड़ेंगे, नहीं तो पता चला कि बड़ी बड़ी जब 200 ग्राम की बड़ी मछलियाँ हो जाती है तो जब दौड़ती है तो सीधा जाके टकराती है तो मुंह तुड़वा लेती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, मुंह टूट फूट जाता है, आप देखे भी होंगे, कई जगह देखे भी होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब थोड़ा बचाव होगा, तो कुछ मत कीजिए, सिर्फ राउंड करवा दिए साइड में, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अपने को करना क्या है, कितना बड़ा बनाइए टैंक उससे दिक्कत नहीं है, करना क्या है कि स्लोप, स्लोप यानी कि 7 इंच से लेकर 10 इंच तक स्लोप होना चाहिए। ये नीचे वाला हिस्सा कोई भी राइट एंगल में बनाए या क्या कहते हैं ये स्क्वायर में बनाइए, किसी तरह भी बनाइए, लेकिन ये स्लोप होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। दोनों साइड स्लोप अगर मिल गया तो कहने मतलब ये है कि अपना जो इसमें अमोनिया जनरेट होगा, गंदगी होगा, ठीक है, तो वेस्टेज में जो मछलियाँ खाएगी वेस्टेज भी आएगा। और वेस्टेज आने के बाद क्या होता है कि क्या बोलते हैं इसमें निकालने कहाँ से, तो आराम से ये ड्रेन लाइन जो अपना सेंटर है यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद क्या है, पाइप द्वारा आराम से इजली हम यहाँ से उसको आउटलेट द्वारा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, 7 से 10 इंच का स्लोप होना चाहिए। अब स्लोप बीच में आप देखे होंगे कि पानी कहाँ से निकलेगा भाई, तो जब मैं टैंकी बनाऊंगा तो सेंटर में जब मैं पाइप लगाऊंगा तो 3 इंची का यानी 75 mm का पाइप मैं लगा सकता हूँ, PVC पाइप अपना प्लम्बर की दुकान में मिल जाता है, वो लगा सकते हैं। एक कम से कम 2 पाइप ले लीजिए, 2 बैंड ले लीजिए, ठीक है जी। और रही बात है कि ये मैं क्या कहते हैं जो फिल्टर है जहाँ से अपना पानी वो करेगा, तो मैं क्या कहते हैं बनाया भी हूँ, अभी मेरा टैंक का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें लगा हुआ है, बाकी जब भी सामान वामान थोड़ा दिक्कत से मिलता है। रही बात है कि मैं नया बनाऊँ, अगर अगला टैंक बनाता हूँ तो नया जब बनाऊँगा तब तो उसमें वीडियो डाल दूंगा, और उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे छेद करना है, कैसे उसको डंप मतलब ऊपर से ढक्कन को डंप करना है कि बंद हो जाएगा, तो मैं वो अगला आने वाला टाइम में मैं उसको बता दूंगा। लेकिन उतना वो खास बड़ा खास नहीं है, अगर मैं मान लीजिए मेरे को ज़्यादा नहीं 1 फीट का पाइप लेना है, इसी में से एक टुकड़ा काट लेना है, जो 3 इंची का पाइप लेंगे 75 mm का उसमें से एक टुकड़ा काट लेंगे, टुकड़ा काट के कुछ नहीं, अगर हम थोड़ा थोड़ा काट भी देते हैं कि पानी उसमें जैसे फिल्टर टाइप का आप देखे होंगे फुटबॉल जो हम लोग का होता है, फुटबॉल देखे होंगे सेम उस टाइप का, उसको छेदा छेदा बनाना है, ऊपर से एक और मतलब ढक्कन आता है बंद करने के लिए, डंप करने के लिए, तो उसको डंप कर देंगे, तो ये हो जाएगा, ये इसका काम खत्म हो गया। 2 बैंड लग जाएगा, 2 बैंड लगने के बाद इसको हम नीचे दबा देंगे और ऊपर से वो कर देंगे, ठीक है जी। और इसको बनाने के इसका जो अपना जैसे दूसरा टैंक बना रहे हैं या तीसरा टैंक बना रहे हैं उसके लिए यहाँ पे अपने को 2x2 का एक छोटा सा गड्ढा बनाना है, ठीक है, ऐसे भी 2 होना चाहिए, ऐसे भी 2 होना चाहिए और ऐसे भी 2, यानी लंबाई भी 2, चौड़ाई भी 2 और गहराई भी 2, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। इधर से भी आएगा 2 पाइप, मैं 2 टैंक इधर से बनाऊंगा, 2 पाइप एक साइड से आ जाएगा, 2 पाइप अगर दूसरा तरफ टैंक बना रहा हूँ 2 पाइप उसमें आ जाएगा, तो एक मतलब ड्रेन लाइन में अपना काम निकल जाएगा। रही बात है अगर इस लाइन का इसका जो पानी हमको लेके जाना है बाहर, जो मतलब जिस टाइम आपको निकालने के निकासी चाहिए, तो यहाँ पे जैसे अपन 3 इंची का पाइप लगाए हैं तो यहाँ आपको कम से कम ज़्यादा नहीं पड़ गई, क्योंकि और भी है, अगर बाई दफे कभी जरूरत पड़ सकता है तो मैं दो टैंक भी 3 टैंक भी खोलना पड़ता है, तो इसके नाम से यहाँ 6 इंची का पाइप सूटेबल है, 6 इंची का पाइप का हम ड्रेन लाइन निकाल सकते हैं। वो पाइप को अगर हाँ ये जो कोण लाइनर ये काम आएगा, अगर बाई दफे हम कहीं बाहर बनाते हैं, मेरे आँख में कुछ पड़ गया लग रहा है, बाई दफे अगर हम बनाते हैं पोंड बनाते हैं
तो उसमें जो मेरा पानी है जो मतलब यूज लाइक पानी है, तो यूज लाइक पानी को अपने को यूज कर सकते हैं, तो उस टाइम ये यहाँ तक ले जा सकते हैं। और एक लाइन दे देंगे कि हम वो अगर जो मेरा अमोनिया वाला पानी है, जो क्या कहते हैं मतलब सलज वाला पानी है जो नहीं काम में आने वाला है, उसको मैं बाहर भी कर सकता हूँ, मतलब दो डिस्ट्रीब्यूट वो ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। तो ये अपन कर सकते हैं, इतना ये ईजी है, ये अपना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप सीमेंट टैंक बना सकते हैं, कोई झंझट नहीं है। चार तरह के टैंक होते हैं, तारपोलिंग भी होते हैं, सीमेंट टैंक होते हैं, फाइबर होता है और कॉन लाइनर भी होता है, ठीक है। 3 इंच का पाइप ले लीजिए दो लेंथ, ठीक है, दो बेल्ट ले लीजिए, आपका ये काम हो जाएगा। अभी मतलब ये यहाँ पे सपोज कीजिए कि 2 इंची का पाइपलाइन अगर मतलब पानी डालने के लिए लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, उसके लिए लंबा चौड़ा वर्क है, तो यहाँ पे ना करके हम जैसे हमें टुल्लू पंप है और क्या कहते हैं ग्राउंड वाटर अपने को यूज करना, ग्राउंड वाटर ही यूज करना है, स्टोर वाटर यूज नहीं होता है। तो ग्राउंड वाटर अगर यूज करना है तो 2 इंची का जो पाइप ना लेके अपना फुटबॉल ये टुल्लू पंप है उससे भी अपने काम में पानी शुरुआत में अपन कर सकते हैं, इसमें पानी स्टोर कर सकते हैं। लंबा करेंगे तो उस टाइम हम सब मसीबर लगा सकते हैं, 2 इंची का पाइप लाइन भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कुछ। और क्या कहते यही है, और कैलकुलेशन में वही है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना हाइट, जो ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, उसको अपने को फिर गुना कर देना है 28 से, तो उसका वॉल्यूम निकल जाएगा कितना वाटर स्टोर हो सकता है, स्टोर हो सकता है लीटर में अपने को निकल जाएगा, ठीक है। आप ये करके देख लीजिए आराम से, इसको पता चल जाएगा कितना बड़ा। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो पहले क्या था कि प्रचलन था कि 10,000 लीटर का टैंक बनाते थे, अभी तो 30,000 लीटर का भी टैंक बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 30,000 लीटर का भी बना सकते हैं, 15,000 लीटर का भी बना सकते हैं, 20,000 लीटर का भी बना सकते हैं, 10,000 लीटर का भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना बड़ा टैंक बनाना चाहते हैं, ठीक है। और ये तो हो गया मेरा सीमेंट टैंक का मतलब कहानी खत्म हो गया। अपन क्या करेंगे कल के डेट में, हम लोग कल या फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में जब भी, तो तारपोलिंग के ऊपर बात करेंगे, तारपोलिंग के ऊपर, तारपोलिंग का टैंक कैसे बनाना है। और रही बात है कि मैं कुछ मेरे पास इसका टैंक के प्रकार के बारे में मतलब क्लिप सा बनाया हूँ, तो मैं इसमें मतलब बीच बीच में क्या है कि ऐड कर दूँगा, तो वो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा बोर्ड सही नहीं है, दूसरी बात है लाइट का प्रॉब्लम है, तीसरी बात है कि थोड़ा हेड रेटिंग का भी प्रॉब्लम है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो एनीवे अपने को हेड रेटिंग से क्या करना, अपने को कल्चर करना है, और मतलब अपने को ये क्या कहते हैं कल्चर करने में क्या क्या लगता है क्या नहीं लगता है, वो सबसे बड़ा बात होता है कि कौन कितना क्या कैसे बता सकता है और कैसे कर सकता है, वो चीज़ें हैं। रही बात ये है कि मैं क्लिप उसमें जोड़ दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं और आसानी से समझ जाइएगा क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, उसमें टोटल लिखा हुआ है। मिस्त्री साहब है जो अभी लगे हुए हैं, तो उसके हिसाब से ये उनका वर्क है और ये अपना वर्क करेंगे, जिससे मेरा जो सलज वगैरह है और इसमें जो क्या कहते हैं पोटी वगैरह जो है जो आसानी से ड्रेन हो जाएगा। इसका डिस्टेंस ये होना चाहिए कि ये मेरा दीवार है, तो जब 1 मीटर दीवार लेंगे यानी कि 4 फीट दीवार लेंगे, दीवार से जो यहाँ से 10 इंच का स्लोप होना है, इससे क्या होगा मेरे को एक सुविधा ये होगी कि जो ये देखिए मेरा ड्रेन लाइन है जो चेंबर से होते हुए अपना सॉरी जो हमारा टैंक है टैंक से होते हुए चेंबर में आया है, तो चेंबर में क्या मैं नीचे एक पाइप जो 4 इंची का पाइप दिया हूँ आउटलेट निकाल के बाहर, जो हमारा कैप्सूल टाइप का जो टैंक बनाना है आगे, वो कैप्सूल टैंक का टैंक जो बनेगा जिसमें मेरा सारा स्लज वगैरह लेके आउटलेट के द्वारा चला जाएगा। ये चैम्बर एक हो गया, दूसरा चैम्बर आइए मैं दिखाता हूँ आप, देखिए दोनों टैंक का आउटलेट यहाँ पे निकाला गया है, ये मेरा दूसरा चैम्बर है और इसलिए जाली अभी देख रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, जय जोहार, जय हिंद।